वहीं यूपी असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें टिकट मांगने वालों को 11,000 रुपए की फीस देनी होगी, इस बात को बताया गया है। दरअसल टिकट के लिए 25 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। कांग्रेस का टिकट चाहिए तो अब देने होंगे 11,000 रुपए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से यह सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें अहम बात यह है कि जिन उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ना है उन्हें इलेक्शन में टिकट हासिल करना है उन्हें 11,000 रुपए की फीस देनी होगी। आपको बता दें कि यूपी असेंबली 2022 के लिए सभी चुनावी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। जिस तरह से आपने देखा आम आदमी पार्टी ने अपनी फेहरिस्त जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि टिकट मांगने वालों को 11,000 रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू की तरफ से इस बात को वाज किया गया था कि 11,000 रुपए कैंडिडेट्स को देने होंगे। सर्कुलर में भी इसी बात को जारी किया गया है कि जिसे भी टिकट के लिए अप्लाई करना है उसे 11,000 रुपए देने होंगे और साथ ही साथ एक फॉर्म भी भरना होगा। आपको बता दें कि इस बार जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के जरिए, वो बहुत ही तफसील से उनके बारे में मालूमात के बाद किया जाएगा। एक पूरा प्रोसीजर होगा जिसमें उम्मीदवारों की जांच की जाएगी, उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा, कांग्रेस पार्टी में उनका ताबून देखा जाएगा और उसके बाद ये टिकट दिया जाएगा। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 11,000 रुपए देने होंगे। तफसीली मालूमात के साथ हमारे नुमाइंदा विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उनको 11,000 रूपए आवेदन के तौर पर जमा राशि जमा करनी होगी और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के जो अकाउंट है उसमें ये धनराशि जो है जमा करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का जो तर्क है कि ये सहयोग राशि के तौर पर है और किसी आवेदन जो है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे, तो उसी दौरान जितने भी आवेदन करता होंगे वो 11,000 रुपए की धनराशि है उसके साथ अपना आवेदन फॉर्म जमा करेंगे। और ये तर्क दिया जा रहा है कि ये सहयोग राशि जो है ये कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों के लिए खर्च की जाएगी और इसी के लिए ये आवेदन करने से लिया जा रहा है। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम मालूमात के लिए। कांग्रेस पार्टी ने सर्कुलर में 11,000 रुपए उम्मीदवारों से मांगे हैं जिसके बाद उन्हें टिकट दिया जाएगा। जिसे भी टिकट के लिए नॉमिनेशन चाहिए वो 11,000 रुपए देगा।